मेरा नाम ए एस पी राना मोहम्मद दिलावर है। आई एम बेसिकली फ्रॉम मुल्तान एंड आई क्वालिफाइड सी एस एस इन 2018 अटैम्प्ट। एलोकेटेड इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। आई एम फ्रॉम 47th कॉमन। एंड सी एस एस की जर्नी जो है ये इट्स अ वेरी इजी जर्नी। मतलब एक ये बड़ी परसेप्शन या मिथ बनी हुई है कि सी एस एस बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है या ये जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं ये कोई बहुत आइंस्टाइन किस्म के जो लोग हैं वो क्लियर करते हैं, तो ये एक इट्स जस्ट अ मिथ। और सी एस एस के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी हार्ड वर्क जो है और आपके कितना आप कमिटेड हैं अपने गोल के साथ। तो अगर आप कमिटेड हैं और कंसिस्टेंट हैं तो डेफिनेटली यू विल इजीली एस सी एस एस। देखिए मेरी फर्स्ट आई वाज यूटी इन ऑन इनिशियल डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट। आई रिमेन पोस्टेड इन हैदराबाद सखर। देन आई वाज अंडर ट्रेनिंग इन हैदराबाद। उसके बाद मेरी जो फर्स्ट फॉर्मल पोस्टिंग थी डेट वॉज एस डी पी उद्रक्षा इन कराची। सो आई वॉज द फर्स्ट ए एस पी हु वॉज गिवन एक्टिंग चार्ज ऑफ एस पी क्लिफ्टन ड्यूरिंग माई फर्स्ट टेन्योर। और आई रिमेन देयर फॉर 1 year। आफ्टर दैट आई वॉज पोस्टेड इन फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी इस्लामाबाद। आई रिमेन देयर फॉर 1 year। एंड देन राइट नाउ आई एम पोस्टेड इन हैदराबाद एज एस डी पी ओ बल्दिया। एंड ओवरऑल आई लुक आफ्टर हैदराबाद एंड द वर्क ऑफ अदर सब डिविजन्स। उसमें देखें सी एस एस जो है ना हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क ये तो बिल्कुल की है। अगर आपने इसको न सिर्फ क्वालिफाई करना है बल्कि आपने टॉप पोजीशंस अटेन करनी है इन ऑर्डर डैट कि आप अपने डिज़ायर्ड ग्रुप में जो है आपकी एलोकेशन हो। उसकी रीज़न ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो रैंडम हैपहैज़र्ड मैनर में जब अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करते हैं डॉवटेल नहीं करते हैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को, तो उससे उन्हें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। कुछ आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स बैक टू बैक अटैम्प्ट्स देते हैं और ऑल्दो देर में वो अपने कैरियर में टॉपर भी रहे होते हैं, उसके अलावा उनका बहुत ज़्यादा स्कोर होता है, बट इवन देन वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो उसकी रीज़न ये है कि सी एस एस जो है ये बाकी एग्ज़ाम से आपका डिफरेंट एग्ज़ाम है। इसमें आपको ऑलराउंडर होना ज़रूरी है और आप स्मार्ट स्टडी करें, क्योंकि देखें अल्टीमेटली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 12 पेपर्स 12 रिटन एग्ज़ाम्स। और 12 रिटन एग्ज़ाम्स में आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके 2 पार्ट्स में होंगे, ऑप्शनल्स एंड कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हैं। तो उसमें अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप सब सब्जेक्ट्स में तो आप मेजर नहीं आप रख सकते। और ये भी एक मिथ है कि जी किसी स्टूडेंट ने मास्टर जो है वो लिटरेचर में किया हुआ है या इंग्लिश में किया हुआ है या इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस के, उनके लिए बहुत इजी होगा। आई थिंक कि आप किसी भी फील्ड से हैं, आपने किसी भी डिग्री में आपका मेजर है या आपने बैचलर्स किया हुआ है, आप सी एस एस के सिलेबस सबसे पहले ये है कि आप अपने सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करें और वो आइडेंटिफिकेशन जो सब्जेक्ट्स की है जो आप अपने लिए ऑप्ट कर रहे हैं वो उन पैरामीटर्स पर हो कि आपका उनमें इंटरेस्ट है, आपकी उनमें ग्रिप है, आपका उनमें एजुकेशनल बैकग्राउंड है और अल्टीमेटली स्कोरिंग ट्रेंड्स भी डू मैटर्स, तो आप उनको भी थोड़ा सा देख लें। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं और इनको जब आप पाइलअप कर लेते हैं डॉवटेल कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी आती है आपकी प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन के लिए ये है कि आप सिलेबस सी एस एस की जो सिलेबस है जो एफ पी एस सी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है आप उसको डाउनलोड करें, आप उसमें से देखें कि कौन कौन से सिलेबस के आइडेंटिफाइड टॉपिक्स हैं। बट दैट डजंट मीन कि उन टॉपिक्स के अलावा दे कांट आस्क क्वेश्चंस। तो उसमें ये होता है कि एटलीस्ट जब आप उनको सिस्टमेटिक वे में 1 by 1 आप टॉपिक कवर कर लेते हैं और उसके अलावा आप थोड़ी सी जनरल स्टडी करते हैं तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट एटलीस्ट। जैसे सब्जेक्टिव में आपने 4 क्वेश्चंस करने हैं, बाकी आपके ऑप्शनल एंड कंपल्सरीज में एक्सेप्ट ऐसे 20 मार्क्स का या इससे ज़्यादा अगर एम सी क्यूज़ हैं तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो इंग्लिश इज़ अ की, इसकी मैं आपको बोल के एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ स्टूडेंट जो हैं या आप जिनका समझ लें कि हमारे बैच फेलोज सीनियर्स जूनियर्स के जब आप सी एस एस क्लियर करते हैं तो उनका ये मैसेज होता है कि जी आप अपने ऐसे को बहुत सिंपल रखें। कुछ इस पे प्रेफर करते हैं कि आपकी बड़ी फ्लावरी इंग्लिश हो और हाई साउंडिंग जो कैप है वो आप उसको एम्प्लॉय करें अपने पेपर में। तो ये दोनों जो है ना ये आप समझ लें कि बहुत कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है। अब एक स्टूडेंट लेट्स से कि वो वन स्कूल ऑफ थॉट को कि जी आप बिल्कुल सिंपल वर्डिंग रखें उसको फॉलो कर रहे हैं, और सेकंड स्टूडेंट जो है वो कि बहुत हाई साउंडिंग वर्ड्स जो हैं हाई प्रोफाइल वो कैप वर्ड्स हैं उनकी तरफ फोकस कर रहे हैं। करना बेसिकली ये है कि आपका जो ऐसे है उसमें कोहरेंस होनी चाहिए। कोहरेंस कैसे होती है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जब आप क्रैमिंग करते हैं, आप रटा लगाते हैं या आप किसी टॉपर के नोट्स को आप मार्केट से आपको गाइड बुक्स या किसी फोटोस्टेट शॉप से या किसी टॉपर से आपको नोट्स मिल जाते हैं तो देखें उसने नो डाउट के उस ऐसे एसेस की बेसिस पे ही गॉट फर्स्ट पोजीशन, ही और शी गॉट फर्स्ट पोजीशन। बट राइट नाउ आप जब उसके नोट मार्केट से परचेज कर रहे हैं या मार्केट से आप उनके नोट गाइडेंस उनसे कर रहे हैं और उन्हीं नोट्स को आप यूज़ कर रहे हैं फॉर एनी टॉपिक, अब टॉपिक की स्टेटमेंट कुछ भी है, लेट्स से एक डेमोक्रेसी है या टेररिज्म है, तो पेपर में आपको ये तो ऐसे नहीं आ रहा कि राइट ए नोट ऑन टेररिज्म, दे एग्जामिनर में आस्क एनी डायमेंशन
उसको आप रिलेट कर सकते हैं किसी कॉन्टेम्प्रेरी फैक्टर से, तो आपने रटा तो उस टॉपिक को एक लगा लिया, और उसके बाद आप उसी को, कोई भी स्टेटमेंट आती है तो आप सबसे पहले तो टॉपिक को देखेंगे वो एग्जामिनर जो है आपसे डिमांड क्या कर रहे हैं। सेकंड चीज़ ये आती है कि जब आप ऐसे को आप लिखना शुरू करते हैं तो 90 में ये आपको एवरेज, आई पर्सनली बिलीव कि 80-85% जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो जो फर्स्ट, उनके जो फर्स्ट 2-3 पैराग्राफ्स होते हैं टॉपिक के, वो उन्होंने क्रैम किए होते हैं गाइड बुक से या जेनेरिक बुक से, और वो उससे स्टार्ट कर देते हैं। अब उससे होता क्या है कि फर्स्ट पैराग्राफ है डेट इज़ इन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, जो फर्स्ट पैराग्राफ ख़त्म होता है सेकंड पैराग्राफ आता है, तो वो उनकी जो है आप समझ लें कि जो इल्म इंग्लिश जो ग्रेजुएशन या आपने FSC FA मैट्रिकुलेशन में जो आपने पढ़ी है वो चल रही होती है, और थर्ड पैराग्राफ से ना वो देसी इंग्लिश शुरू हो जाती है जो अब तक की उनकी टोटल उन्होंने रिटेन की है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर द ईयर्स जो उन्होंने स्टडी से गेन किया। तो आप जितना भी आप ज़्यादा पढ़ लें, आप एक 10,000 वर्ड क्या वो कैब के आप 1,00,000 वो कैब भी याद कर लें, बट अगर आपने कभी उसको राइटिंग में एम्प्लॉय नहीं किया है तो पेपर राइटिंग के टाइम, ऐसे राइटिंग के टाइम पर आपको कभी भी वो वर्ड्स याद नहीं आएंगे। तो फॉर दैट पर्पस यू शुड राइट मोर, जैसे देखें ना आपने, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल लाइक स्पोकन स्किल्स, सो फॉर दैट यू हैव टू स्पीक मोर इन इंग्लिश, इफ़ यू इन एनी लैंग्वेज, मतलब इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन उर्दू तो आपने अपनी स्पीकिंग पावर इंक्रीज करनी है तो यू शुड स्पीक मोर इन उर्दू और इंग्लिश। लाइक वाइज इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स सो ट्राई टू लिसन मोर लाइक इंग्लिश न्यूज़ और उर्दू न्यूज़, एंड इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर राइटिंग पावर सो फॉर दैट यू हैव टू राइट मोर। सो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ साथ आप ट्राई करें कि आप उसको एवेल्युएट करवाएं, क्योंकि खुद से आप लिखते रहेंगे तो वो सफिशिएंट नहीं है अंटिल एंड अनलेस के इट गॉट एवेल्युएटेड फ्रॉम एनी रेनाउंड प्रोफेसर हु इज़ वेल वर्स्ड इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट।